ये देखिए दोस्तों, एट प्रेजेंट अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका एटीट्यूड इस तरीके से होना चाहिए, डोंट कम बिटवीन मी एंड माय गोल्स। अगर आपका इतना फोकस है, अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बीच में आने वाली किसी भी चीज़ को दूर कर सको, आपके और आपके गोल में जो भी चीज़ आ रही है अगर आप उसे साइड में रख सको, साइड में कर सको और सिर्फ गोल पर फोकस कर सको, तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको आपके गोल्स तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। मगर आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो फोकस है, वो इस तरीके का होना चाहिए, इतना लेजर फोकस होना चाहिए कि जो भी चीज़ बीच में आए आपको उसे हटा देना है, नहीं तो वो चीज़ आपको आपके गोल से हटा देगी। आपको आपके गोल के बीच में जो भी चीज़ आ रही है उसे हटाना होगा, नहीं तो वो चीज़ आपके गोल से आपको हटा देगी। आपको याद रखना है, इसीलिए कुछ ही वक्त बाकी है, इसमें आप किसी भी चीज़ को बीच में मत आने दीजिए। थोड़ा सा ही वक्त बाकी है आपके ड्रीम्स को पूरा होने में, और आपके एफर्ट्स भी उसी तरीके से रहने चाहिए। जितना वक्त पास में आता है उतने ही स्ट्रांग आपके एफर्ट्स बनने चाहिए, इसीलिए लगा दीजिए जोर, लगा दीजिए जितने एफर्ट्स है, लगा दीजिए जितनी जान बची हुई है। एक तो अभी जान लगा दो, नहीं तो फिर जाने दो। एक तो जान लगा दो, नहीं तो फिर जाने दो। अभी वक्त है आपको आपके ड्रीम्स को पूरा करने का, अभी ये वक्त है, अभी ये सही वक्त है। इसलिए आपके गोल्स पर फोकस कीजिए, किसी भी चीज़ को बीच में मत आने दीजिए। बस हर चीज़ को यही बोलिए, फिर वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस यही बोलना है कि डोंट कम बिटवीन मी एंड माय गोल्स। अब आप मेरे कोर्सेज को अनअकैडमी प्लस पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर आपको मेरी प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी मयूर मोगरेस नाम से। उसके बाद जो भी मेरे प्लस कोर्सेस हैं आपको वहां पर नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने MPSC के लिए कोर्स लॉन्च किया है जो कि मराठी लैंग्वेज में है। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल में इस कोर्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस कोर्स पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहाँ पर अलग अलग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिए होंगे। तो आप किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ले जाया जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टेट जो है वो डालना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो इस तरीके की एक विंडो यहाँ पर ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको रेफरल कोड जो है वो यहाँ पर उसका एक बॉक्स दिखाई देगा। अब इस रेफरल कोड में आपको कोड इंसर्ट करना है MMBEAN, ये कोड अगर आप वहाँ पर इंसर्ट करते हो, तो उसके बाद ये कोड जो है रेफरल कोड वो यहाँ पर अप्लाई इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जो पहले आपको 1400 रुपये थे, 1400 रुपीज़ थे एक महीने के, अब उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो सिर्फ 1260 रुपये पर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये रेफरल कोड जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। उसके बाद इस तरीके की नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहां पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है वेरियस बैंक्स के थ्रू। उसी के साथ साथ अगर आपको UPI के थ्रू यहां पर पेमेंट करना है तो उसका भी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। और फाइनली आप किसी भी एक ऑप्शन को यहां पर क्लिक करके पे का अगर ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, और जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो सब आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो कोर्सेस है ये MPSC एग्जाम के लिए है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये मराठी लैंग्वेज में रहने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 22 जनवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है, ये आपको बताना है। अब देखिए काफ़ी न्यूज़ में भी चल रही है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी, अब कंपल्सरीली आपको जो इसका नाम है, जो करेंसी यहाँ पर यूज़ होती है, जो कैपिटल है, ये तो आपको लिखना ही है। उसी के साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च करके जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख सकते हो, क्योंकि हम जब खुद सर्च करके खुद लिखते हैं उससे भी हमें फ़ायदा होता है। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो जो दूसरे लोगों ने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में आप वो पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले।
तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो उसमें इतने आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये वाला आर्टिकल देखोगे तो ये कोरोना वायरस के बारे में है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएसए में जो चाइना से आदमी आया है वो भी डिटेक्ट किया गया है कोरोना वायरस से, इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, तो इसे अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये जो थ्री कैपिटल की बात की गई है आंध्र प्रदेश में, तो कल भी हमने इसके बारे में देखा था, आज भी शॉर्ट में एक बार रिविजन टाइप का देख लेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है जोमैटो इट्स उबर, अभी देखिए बेसिकली हुआ क्या कि जोमैटो और जो स्विगी है ये दोनों मिलकर अच्छा खासा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर चुके हैं। अब उसमें जो दूसरे लोग आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो उबेर ईट है वो जब आया था उसके बाद उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी जोमैटो इन सब ने मार्केट जो है पूरा कैप्चर कर रखा है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो जोमैटो है उसने यहाँ पर एक्वायर कर लिया है उबेर ईट को, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, इसलिए जोमैटो जो है उसने उबेर को खा लिया। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर उबेर ईट पूरी तरीके से ये कर लिया है और 9% के आसपास, 9% के आसपास जो ये है शेयर्स है वो यहाँ पर उबेर को मिल गए हैं। तो इस तरीके से सिनारियों हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस है कि जोमैटो जो है वो काफ़ी टॉप पर चल रहा है ना, मतलब दोनों में आड़ लगी रहती है, जोमैटो और जो स्विगी है उन दोनों में आड़ लगी रहती है कौन टॉप पर जाएगा कौन टॉप पर जाएगा। और अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर बहुत सारे जो ये बोल सकते हैं हम जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर दिए जाते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब एडिटोरियल पेज अगर हम देखेंगे तो ये वाला आर्टिकल जो है वो CAA के बारे में ही बात कर रहा है। अब CAA के बारे में हमने इतने बार बात कर ली है तो अब बात करने का मन भी नहीं करता है CAA के बारे में। यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है IMF ने, कल ही हमने इस पर आर्टिकल देखा है कि IMF ने जो ग्रोथ रेट है हमारी 4.8% पर जो लाकर खड़ी कर दी है, प्रोजेक्ट कर दिया है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। कल ही हमने IMF के बारे में डिटेल में देखा था, IMF की जो करेंसी है मतलब SDR उसके बारे में देखा था, एक्चुअल में क्या ये करेंसी है ये भी हमने जाना था। तो इसलिए एक भी वीडियो आप मिस मत किया कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है, तो ये वाले एडिटोरियल के साथ मिक्स करके हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है जो इंटरनेट शटडाउन जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। इंटरनेट शटडाउन के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कौन कौन से जो टेलीग्राफ एक्ट है वो देखा है हमने, सेक्शन 144 जो है CRPC का वो हमने कवर किया है, तो काफ़ी कुछ हमने इसके रिगार्डिंग कवर किया हुआ है। वही आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रपति है उनके द्वारा ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया है, और ये बेसिकली जो न्यूज़ चैनल्स है जो न्यूज़ है उनके बारे में, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है ये लिखा गया है गवर्नमेंट के इनके द्वारा, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मतलब गवर्नमेंट में जो है उनके ही द्वारा लिखा गया है, और उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो फेडरलिज्म है ये टू वे स्ट्रीट है। अब इसमें भी उन्होंने वही बात की है जो हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि हमारे 7th schedule जो है उसमें 3 lists देखने को मिलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर दोनों भी लॉज बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप सिटीजनशिप देखोगे तो वो दिया हुआ है यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है, इसीलिए सिर्फ केंद्र सरकार जो है वो यहाँ पर लॉज बना सकती है, और अगर वो लॉ बनाने के बाद जो स्टेट है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगा दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल केरला है, तो केरला और उसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल, तो केरला ने तो एज पर आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब 131 हमने देखा था कि 131 मतलब बेसिकली क्या है कि अगर सेंटर और किसी स्टेट में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है ना, उसी के साथ साथ जो सेंटर और स्टेट है वर्सेस कोई स्टेट अगर होता है, और अगर दो किसी स्टेट में डिस्प्यूट होता है तो 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है ना। अब आर्टिकल 32 के हिसाब से भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो रिट्स इशू करने के लिए होता है।
अब यहाँ पर आर्टिकल 32 के हिसाब से जो रिट्स का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 131 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है अपना एंजॉय कर सकता है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि 131 के हिसाब से वो गए तो है, मगर 131 के हिसाब से अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो जाते हैं। डिस्प्यूट अराइज कब होगा? जब ऑब्वियस है कि कोई फेडरल सिस्टम जो है उसे वो अफेक्ट करेगा, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का अगर कोई सब्जेक्ट है उस पर सेंटर ने लॉ बनाया, उस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है, तो उसी लॉ पर अगर स्टेट और सेंटर के लॉ बन रहे हैं तो उसमें डिस्प्यूट अराइज होगा ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सेंटर है उसने कोई ABC नाम का ये लॉ बना लिया, और उस पर जो स्टेट है उसका भी अधिकार है लॉ बनाने, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो स्टेट ने भी उस पर लॉ बनाया, अब यहाँ पर डिस्प्यूट अराइज हुआ है। मगर ये जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें स्टेट का कोई रोल ही नहीं है, स्टेट का कोई पावर ही नहीं है, स्टेट की लिस्ट में आता ही नहीं है, तो फिर स्टेट की कुछ अधिकार ही नहीं है। तो ऐसे सिनारियों में वो टॉपिक पर डिस्प्यूट कहाँ से अराइज होगा, और डिस्प्यूट ही अराइज नहीं हो रहा है तो 131 के हिसाब से स्टेट जो है वो कैसे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना? वैलिड, ये भी वैलिड रीजन लग रहा है। तो ये रीजन जो है, ये रीजन यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू बोला गया है, और उसी के साथ साथ ये भी बोला गया है कि ये जाना भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके का नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट हो रहा है, इसके चलते आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे वॉयलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बोली गई है। अब यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन में भी कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इकोनॉमी सेक्शन फ्रंट पेज, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है उसी के साथ साथ जो हिंदू है, द हिंदू, उसमें भी दो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके एग्रीकल्चरल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पहला आर्टिकल आ रहा है कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस ये वाला एडिटोरियल ये है ये है ये है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वर्ल्ड पेज की न्यूज़ है, जो वर्ल्ड पेज है हमारे इंडियन एक्सप्रेस का, उसकी न्यूज़ है, और ये तो एक्सप्लेन सेक्शन है उसकी है, और उसी के साथ साथ ये जो आइडियाज़ पेज है उसकी है। तो यहाँ पर मेंस के लिए भी क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस, हाउ डज़ इट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए बेसिकली हुआ क्या, चाइना जो है वहाँ पर कोरोना वायरस, मतलब वहाँ पर एक अननोन टाइप का जो वायरस है वो यहाँ पर स्प्रेड होता हुआ नज़र आया। उसके बाद जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो काफ़ी सतर्क हो गया। अब वो क्यों सतर्क होता है? चाइना जो है, चाइना वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ इमर्ज होती है, कोई भी चीज़ उभर कर आती है, तो चाइना की जो स्टेट न्यूज़ चैनल्स है उनकी ये मंशा रही है कि वो कोई भी चीज़ बाहर नहीं आने देते हैं उतने प्रखरता से जितना वो हो रहा है। तो उनका ये बोलना था कि जो डेथ है वो काफ़ी कम हुए हैं, जो केसेस है वो भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, मगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो केसेस है ये काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं, इसीलिए WHO जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हो गया है, सतर्क हो गया है, और उसी के चलते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनके तरफ से ट्वीट जो है इसके रिगार्डिंग आ रहे हैं। और फिर चाइना से जब पूछा गया तो चाइना ने कहा कि ये कोरोना वायरस है जो यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है। कोरोना वायरस क्या है, हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस है जो यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, और WHO ने उन्हें कहा है कि आप जो भी रियलिटी है, रियल डाटा है, वो यहाँ पर आप बताइए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड में बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं चाइना में, क्योंकि जो चाइनीज़ लोग हैं जो अलग अलग देश में काम कर रहे हैं वो लोग चाइना अपने घर पर जाते हैं, और फिर उसके बाद जब रिटर्न आएंगे तो हो सकता है कि वो भी कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो और वो दूसरे देश में भी स्प्रेड हो जाए, और वो हमें देखने को भी मिला है। USA जो है वहाँ पर भी एक केस हमें कोरोना वायरस का देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, टुडे यूनाइटेड स्टेट्स रिपोर्टेड फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस, ट्रेवलर रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम वुहान चाइना। तो आप देख सकते हो किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, और WHO यहाँ पर अगर कोई भी वायरस स्प्रेड होता है, कोई भी डिसीज स्प्रेड होता है, तो उसे यहाँ पर मॉनिटर करने का काम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और इसीलिए WHO के बारे में जानना हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। तो एज ए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन WHO के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ, ये फाउंड कब की गई थी? 1948 को फाउंड की गई थी। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर सिचुएटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
और उसने अब जो फंक्शनिंग है कब शुरू की थी, तो 7 अप्रैल 1948 को जो फंक्शनिंग है वो शुरू की थी। अब इस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल 7, 1948 को, और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो WHO है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स है कि यहाँ पर टू एक्ट एज अ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। देखिए जो मैंने रेड इसमें मार्क किए हैं वो आप कैचिंग लाइन ले सकते हो जिससे कि आप याद रख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आप लिखोगे तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स लिखने से काफ़ी आपको फायदा मिल सकता है। तो क्या है, डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी के तौर पर एक्ट करना इंटरनेशनल हेल्थ वर्क में, जो भी इंटरनेशनल हेल्थ से रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें एज अ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी, डायरेक्टिंग अथॉरिटी करके एक्ट करना, जैसे कि अभी वो कर रही है कि कोई भी वायरस इमर्ज हो रहा है तो कोऑर्डिनेट कर रही है, एक दूसरे कंट्रीज को बता रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें डायरेक्ट कर रही है। दूसरा यहाँ पर आता है कि इफेक्टिव कोलैबोरेशन जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज एजेंसी, गवर्नमेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल ग्रुप्स, जैसे कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अप्रोप्रिएट हो उनके साथ मिलकर। तीसरा यहाँ पर है असिस्टेंस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट्स को, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं हेल्थ सर्विस को स्ट्रेंथन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पर हेल्थ सर्विस जो है उसे थोड़ा अच्छा करना है, तो यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करना। उसी के साथ साथ यहाँ पर कोऑपरेशन प्रमोट करना साइंटिफिक और प्रोफेशनल ग्रुप्स जो है उनके बीच में, जिससे कि जो हेल्थ है उसमें एडवांसमेंट हम ला सके। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने WHO के लिए हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस क्या है, तो ये कोरोना वायरस जो है वो लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है। अब यहाँ पर लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस मतलब क्या है कि इसमें अलग अलग वायरसेस हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग वायरसेस होते हैं। अब इसमें दो एपिडेमिक्स देखने को मिलते हैं, खासकर दो एपिडेमिक्स देखने को मिलते हैं। एक है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दूसरा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चाइना में जो स्प्रेड हो रहा है वो ये माना जा रहा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये आइडेंटिफाई किया गया था 2003 में, ये भी चाइना में हमें देखने को मिला था। अब उस वक्त भी चाइना में बहुत ज़्यादा तरीके से ये अफेक्ट हुआ था और चाइना ने वो खुलकर नहीं बताया था, और नियरली 650 लोग जो है इसमें मारे गए थे। अब यहाँ पर ये जो है ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एनिमल्स है उससे भी ट्रांसमिट होता है, जैसे कि ये जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये जो बैट्स है उसके द्वारा यहाँ पर स्प्रेड हुआ था ह्यूमन्स में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एयर और जो पर्सनल कांटेक्ट होता है, जो स्नीज होते हैं, ये सबसे भी वो स्प्रेड होता है। यहाँ पर आप वुहान देख सकते हो जहाँ से वो स्प्रेड हो रहा है। और उसी के साथ साथ कॉमन साइंस क्या है इन्फेक्शन के, फीवर होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और सीवियर केसेस में न्यूमोनिया होता है, किडनी फेलियर भी हमें देखने को मिलता है, और डेथ भी हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि ये जो है ये फैटल डिसीज है, ये फैटल वायरस है, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो कोई भी ट्रीटमेंट एट प्रेजेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। सिम्टम्स जो है वो ट्रीट किए जा सकते हैं, जैसे बुखार आ रहा है तो उसे ट्रीट करना, मगर ओवरऑल वायरस को ट्रीट करना हमें अभी तक कोई वैक्सीन जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर चाइना का जो है उसमें किस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो चेस्ट पेन है, फीवर है, चिल्स है, रैपिड हार्ट बीट्स है, किडनी फेलियर है, न्यूमोनिया है ना, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, और स्प्रेड किससे होता है, कफिंग स्नीजिंग, इससे हमें स्प्रेड होता हुआ नजर आता है। तो कोरोना वायरस क्या है, ये ग्रुप ऑफ वायरसेस है पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये स्प्रेड कैसे होता है, तो एनिमल से ह्यूमंस में भी स्प्रेड होता है, कफिंग स्नीजिंग ये सबसे स्प्रेड होता है। तीसरी चीज, हमें इससे पहले क्या आउटब्रेक देखने को मिला था, जी हाँ, इससे पहले भी हमें चाइना में आउटब्रेक जो है वो देखने को मिला था, और उसी के साथ साथ यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पर भी 2012 में ये देखने को मिला था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से, और यहाँ पर ये कैमल जो है उसके द्वारा ह्यूमंस में स्प्रेड हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं आंध्र प्रदेश में थ्री कैपिटल्स की जो बात की गई है। अब यहाँ पर देखिए हमारे GS पेपर 3 बोलो, 2 बोलो, 1 बोलो, सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हमने कल ही देखा है इसलिए फास्ट में इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो आंध्र प्रदेश जो है वो 2014 में तेलंगाना से, मतलब तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होता है। पहले कैपिटल थी हैदराबाद, अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो हैदराबाद ही दोनों की कॉमन कैपिटल जो है वो देखी जा रही है, मगर अब आंध्र प्रदेश को खुद की कैपिटल चाहिए। तो अब जब किसी भी स्टेट में कैपिटल जब बनाई जाती है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफी ज्यादा की जाती है। अब जो पूरा पैसा है, पूरा पैसा अगर आप वहीं पर लगा दोगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक स्टेट का एक कोई बड़ी सिटी है उसे अगर आप डेवलप करने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको जब कैपिटल आप लगाते हो तो वहां पर आपको ज्यूडिशियरी, उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव जो ऑफिसेस होते हैं, वो सब आपको वहां पर क्रिएट करना पड़ता है, वो सब आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो वो सब आप जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो वो क्या होगा, वो पूरे पैसे आप एक जगह लगा रहे हो, तो पूरे पैसे आप एक सिटी को डेवलप करने में लगा रहे हो, बाकी जो सिटीज़ है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। और यही बड़ा कारण माना गया है कि जो तेलंगाना है, हैदराबाद को डेवलप करने के लिए इतने पैसे लगा दिए और तेलंगाना जो है वो सेपरेट होने का एक बड़ा कारण वो भी है, ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि एक ही जगह को पूरी तरीके से डेवलप नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, अलग अलग इसको अलग अलग कैपिटल बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से पूरा जो स्टेट है वो डेवलप्ड होगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल, ये तीन है जिसे वो कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो अब ये जब तीनों यहाँ पर डेवलप होंगे और तीनों अलग अलग इसमें, मतलब ये नॉर्थ में हम बोल सकते हैं, ये मिडिल में बोल सकते हैं, ये साउथ में बोल सकते हैं, तो तीनों यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे, तीनों पर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो चाह रही है कि तीन यहाँ पर कैपिटल जो है वो बनाया जाए। तो अब कौन कौन से कैपिटल है, कल ही हमने देखा था विशाखापट्टनम जो है उसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, ये जो है विशाखापट्टनम। उसी के साथ साथ अमरावती जो है उसे लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पर आपको अमरावती जो है वो नजर आएगा। कुरनूल जो है उसे जुडिशियल कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पर आपको कुरनूल जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से ओवरऑल स्टेट जो है उसकी यहाँ पर डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि अलग अलग यहाँ पर अगर कैपिटल बनते हैं तो किसी को भी जो ऑफिशियल वर्क है उसको अगर दूसरी जगह पर जाना है तो काफ़ी डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब 300-400 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो हो सकती है जिससे कि जो गवर्नेंस है वो यहाँ पर अफेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और सेम हमें साउथ अफ्रीका का भी देखने को मिलता है जहाँ पर तीन कैपिटल्स हैं, जैसे कि जो प्रेटोरिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और जो ब्लोइंग फाउंटेन है वो जुडिशियल कैपिटल है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमें जोहान्सबर्ग में देखने को मिलता है, कल हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ आर्टिकल है वो आ रही है जो डिसक्वालिफिकेशन है उसके बारे में। अपेक्स कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने पार्लियामेंट को कहा है कि आप स्पीकर के जो पावर्स है उस पर एक बार सोचिए, फिर से सोचिए। जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है तो यहाँ पर उन्होंने पार्लियामेंट्री रिव्यू जो है वो यहाँ पर बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब बेसिकली क्यों बताया है, तो 10th स्केड्यूल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके रिगार्डिंग बोला है। अब 10th स्केड्यूल जो है हमारा, 10th स्केड्यूल के हिसाब से एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो MLA हैं या फिर जो MP है उन्हें डिसक्वालीफाई किया जाता है। अब ये पूरा जो सिनारियो है वो निकल कर आ रहा है जो मणिपुर है, मणिपुर उसके रिगार्डिंग। अब बेसिकली क्या हो रहा है, 10th स्केड्यूल के हिसाब से जो डिसक्वालिफिकेशन होता है वो करने की पावर यहाँ पर जो स्पीकर है उनके पास होती है, मतलब हम बोल सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनके पास होती है, करेक्ट है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो पूरा का पूरा तय करते हैं कि यहाँ पर डिसक्वालीफाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब जो स्पीकर होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, हमें ये तो अच्छी तरीके से पता है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। जब वो स्पीकर बनते हैं क्या उन्हें पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन देना पड़ता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर, भारत में नहीं है। अब यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर एक कोई इसका चुनाव हो रहा है, अब वो चुनाव में 3 सीटें चाहिए किसी को भी अपनी सरकार बनाने के लिए, कितनी चाहिए, 3 सीटें चाहिए। अब यहाँ पर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण दोनों यहाँ पर चुनकर आ गए हैं, यहाँ पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों यहाँ पर चुनकर आ गए हैं, मगर किसी भी एक पक्ष में यहाँ पर 3 सीट्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर रणवीर सिंह जो है उसने बोल दिया कि यहाँ पर तू हमारे तरफ आ जा, और ये यहाँ पर अनुष्का शर्मा जो है वो आ गई इनके खेमे में, अब इनके पास हो गए 3 लोग, अब क्या हो गया, इन्होंने सरकार बना ली। अब ऐसा ही पहले हुआ करता था,
बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती थी, इसीलिए 10 स्केड्यूल जो है वो यहाँ पर लाया गया, जिसके तहत यहाँ पर अगर कोई ऐसा करता है पैसों के लिए या फिर किसी भी मंत्री पद के लिए अगर ऐसा कोई करता है तो उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब पहले ऐसा था कि स्प्लिटिंग यहाँ पर अलाउड थी, मगर अब फाइनली कैसा है, फाइनली अगर देखा जाए तो 2/3 अगर कोई पार्टी में से बाहर निकलता है तो फिर वो यहाँ पर निकल सकते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 9 लोगों की पार्टी है, ठीक है, 9 लोग है उस पार्टी में, तो उसमें से 6 लोग जो है वो अगर निकलते हैं तो फिर वहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है रेफर किया जाता है टू 10th शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के चलते, ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है कि पार्लियामेंट में सीरियसली कंसिडर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू सब्स्टिट्यूट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज आर्बिट्रर ऑफ डिस्प्यूट्स कंसर्निंग डिस्क्वालिफिकेशन विच अराइजेस अंडर द 10th शेड्यूल विद ए परमानेंट ट्रिब्यूनल हेडेड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सम अदर आउटसाइड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म to ensure that such disputes are decided both swiftly and impartially, thus giving real teeth to the provisions in the 10th schedule which are so vital in the proper functioning of our democracy. मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो स्पीकर है वो यहाँ पर किसी न किसी पक्ष के होते हैं, तो इसीलिए जो स्पीकर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं 10th शेड्यूल के रिगार्डिंग कि यहाँ पर डिसक्वालीफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए एक सेपरेट आपने ये जो डिस्प्यूट यहाँ पर राइज होता है कि यहाँ पर डिसक्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपने परमानेंट ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पर स्थापित करना चाहिए, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड करके, क्योंकि अमेंड करना पड़ेगा ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर को ये पावर दी गई है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो स्पीकर है उसे पावर देने के बजाय आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो और एक परमानेंट ट्रिब्यूनल जो है, एक परमानेंट ट्रिब्यूनल जो है उसका यहाँ पर आप गठन करो जिसे हेड करेंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर कोई आउटसाइड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, जिससे कि जो डिस्प्यूट्स है ये इम्पार्शियली डिसाइड किया जाए। नहीं तो अभी क्या होता है, अभी जो मतलब रूलिंग पार्टी है उनके तरफ के मोस्टली स्पीकर होते हैं, तो उनके पक्ष में जो चीज़ें हैं वो जाए, उस तरीके से यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो देखी जाती है। तो इसीलिए अगर डेमोक्रेसी की प्रॉपर फंक्शनिंग करना है तो यहाँ पर जो स्पीकर है जो कि पार्शियली यहाँ पर डिसीजन लेते हैं वो यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए, और यहाँ पर परमानेंट ट्रिब्यूनल जो है उसका यहाँ पर स्थापना की जानी चाहिए जिसे हेड कौन करेंगे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है। तो अब आपको पिक्चर पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम जाते हैं, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर 2.5 मिलियन से राइज हो सकती है, ऐसा बोला गया है। अब देखिए, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है। 188 मिलियंस, ये क्या है, ये नंबर ऑफ पीपल है जो अनएम्प्लॉयड है अराउंड द वर्ल्ड, 188 मिलियन। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब मुझे एक चीज़ बताइए आप, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बंदा है जिसके पास बहुत पैसे हैं, उसे जॉब करना ही नहीं है, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा? वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसे करना ही नहीं है, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा? जी नहीं, वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड वो होता है जिसमें काम करने की क्षमता, मतलब काम करने की इच्छा हो, जिसमें काम करने की चाह हो, मगर उसे काम नहीं मिल पा रहा है, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड। तो इतने लोग हैं, 188 मिलियन लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड जो कि अनएम्प्लॉयड है। 120 मिलियन ये नंबर ऑफ पीपल है जिन्होंने मतलब आइदर गिवन अप एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सेस नहीं उन्हें लेबर मार्केट का, या फिर उन्होंने गिव अप कर दिया है कि यहाँ पर अब सर्च ही नहीं करना है। 165 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास इनफ पेड वर्क नहीं है, इनफ पेड वर्क नहीं है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कैसे ना कैसे कुछ करना है तो कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर लोग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ग्लोबली अगर देखा जाए तो जो इनफ जॉब्स है वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल ग्लोब में ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं,
उसी के साथ साथ यहाँ पर पॉवर्टी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब ये नहीं होगा, ऑब्वियस है ना, जब जॉब्स नहीं होंगे तो पॉवर्टी जो है वो यहाँ पर राइज होती भी नजर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो कौन से कंट्रीज़ को आते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर आते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑलरेडी यहाँ पर डेवलपिंग में है, मतलब ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग देखने को मिलते हैं, और ऐसे सिनारियो में ऑब्वियस है जी वहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो और ज़्यादा गरीबी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी जो रैंक है वो कितना ख़राब चल रहा है। तो ऐसे सिनारियों में आप सोचिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स और लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, मतलब जो हंगर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी यहाँ पर निकल पाएंगे क्या? नहीं निकल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है, और उसी के साथ साथ कौन कौन से क्राइटेरिया है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें डिटरमाइन किए जाते हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 5% से गिर गया है टिल January 15th। अब देखिए डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आते हैं आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, कैपिटल गेंस टैक्स, इतने टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में। अब देखिए मतलब मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिया जीएसटी, सिर्फ जीएसटी, तो इस तरीके से हमें इनडायरेक्ट टैक्स में वो देखने को मिलता है। तो ये जो टैक्सेस पे कर किए जाते हैं उससे सरकार को पैसे मिलते हैं, है ना, जो बजट में वो लेते हैं उसी में से खर्च करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कम होना ये स्वाभाविक था, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर कम किया गया था सितंबर में, है ना, मतलब इफेक्टिवली अगर हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स देखा जाए तो ये 22% किया गया था। अब यहाँ पर ये तो माना जा रहा था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो नीचे आएगा, मगर ओवरऑल डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो भी यहाँ पर ज़्यादा गिर गए हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स है, वो जब शॉर्ट किया गया तो कलेक्शन जो है, कलेक्शन जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज़्यादा यहाँ पर गिर गया है। और पर्सनल इनकम टैक्स की भी अगर हम बात करते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन की भी, वो 6.5% से ही ग्रो हुआ है सिर्फ, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 23% जो है बजट में एक्सपेक्ट किया जाए तो 23% से ग्रो होगा, मगर सिर्फ 6.5% से ग्रो हुआ है। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर सरकार पर प्रेशर है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो छोड़कर फिस्कल स्टिमुलस दिया जाए, है ना, फिस्कल स्टिमुलस दिया जाए। मतलब यहाँ पर जो 3.3% उन्हें रखने का ये है, तो वो ज़्यादा ये ना करें, यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें, खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर सरकार करे। अब यहाँ पर ऑलरेडी जो इनकम है वो कम आ रही है। अब फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या है कि अगर आपकी इनकम आ रही है 100 रुपये और आप खर्च कर रहे हो 200 रुपये, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब सरकार पर ऑलरेडी प्रेशर है कि 200 रुपये आप खर्च मत करो, आप 1000 रुपये खर्च करो यहाँ पर, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। अब यहाँ पर जो 100 रुपये हैं वो भी 100 रुपये एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं सिर्फ 50 रुपये। मतलब और ज़्यादा गैप देखिए आप, फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है, मतलब सरकार जो है वो ऑलरेडी पूरी तरफ से घिर चुकी है। अब यहाँ पर कौन से स्टेप्स उठाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ऑलरेडी इनकम कम हो रही है, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया है, इनकम टैक्स कम करने की भी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि हमने कल ही जो डिस्कस किया था एक आर्टिकल में कि इनकम टैक्स भी आप कम कीजिए। तो ऐसे सिनारियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा होता क्या है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि काफ़ी कम यहाँ पर इनकम टैक्स जो है वो हमें देखने को मिला है, लेकिन ये बढ़ेगा ऐसा भी यहाँ पर माना जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर द हिंदू की न्यूज़ है ये, तो द हिंदू में आई हुई है कि यहाँ पर जो स्पॉट बिल्ड पेलिकैंस है वेलोर लेक में, वहाँ पर हमें ब्रीडिंग जो है उनका देखने को मिला है कंसिस्टेंटली 2 साल। तो यहाँ पर ये नियर थ्रेटेंड, इनका IUCN स्टेटस जो है वो देखने को मिलता है, इनकी तस्वीर है यहाँ पर। और इसके रिगार्डिंग 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो पेलिकन्स मतलब क्या है, और दूसरा मतलब यहाँ पर पेरूर लेक फोरम, क्योंकि पेरूर लेक फोरम जो है वो यहाँ पर डाटा पूरा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पेलिकन्स मतलब क्या है कि ये लोकल माइग्रेंट स्पीशीज़ है, जो पेलिकन्स है मतलब अनडिस्टर्ब वेटलैंड्स उन्हें चाहिए होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर करंटली एक्टिव साइट जो है तमिलनाडु, ये सेंचुरी है नियर तिरुनेलवेली, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एक्टिव साइट। और उसी के साथ साथ जो बर्ड्स है वो नियरली 4 ईयर्स लेते हैं ब्रीडिंग स्टेटस तक पहुँचने के लिए, जहाँ पर वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रीडिंग सेशन जो है, सीजन जो है उनका, साउथ इंडिया में 6 मंथ्स तक देखने को मिलता है, मतलब नवंबर टू अप्रैल जो है वो देखने को मिलता है। बर्ड जो है जनरली वाइट होते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में जो फेदर्स है, जो थ्रोट है और साइड ट्रंक है वो पिंक हो जाती है, येलो पैचेस हमें देखने को मिलते हैं चेस्ट पर जब ब्रीडिंग होता है। और खासकर जो मेल्स और फीमेल्स है दोनों यहाँ पर जो टास्क है फीडिंग का वो यहाँ पर लेते हैं। तो ये पेलिकन्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए, फोटो जो है आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर पेरर जो लेक फोरम है, पेरूर लेक फोरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फॉर्म किया गया था 2014 में, जिससे कि कलेक्ट ये डाटा जो है कलेक्ट कर सके साइंटिफिक मैनर में बर्ड्स जो जो कोयम्बतूर वेटलैंड से वहाँ पर देखने को मिलते हैं। करंट मेंबर जो है वो ये सब हमें देखने को मिलते हैं। करंट मेंबर्स ग्रुप जो है वो मॉनिटर करता है बर्ड्स को पेरूर लेक पर मंथली, ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स। तो ये पेरूर लेक फोरम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है जो पेलिकन्स है और उसी के साथ साथ पेरूर लेक फोरम है उसके बारे में। तो चलिए एक बार हम हमारा जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। ये हमारी खूबसूरत धरती, जूम करते हैं तो हमें भारत नज़र आता है और हमें इधर जाना पड़ेगा वो कंट्री तक पहुंचने के लिए। तो हम गल्फ ऑफ थाईलैंड को क्रॉस कर रहे हैं, सिंगापुर को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर इंडोनेशिया को भी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर हम आते हैं उस कंट्री के पास। वो कौन सी है? वो है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, काफ़ी न्यूज़ में चल रही है और उसी के साथ साथ क्यों न्यूज़ में चल रही है वो आपने ज़रूर लिखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपने इस मैप बेस्ड एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर लिखी होगी और उसी के साथ साथ आपने जो मैंने आपसे पूछा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक क्या है और उसके क्या क्राइटेरियाज है वो भी आपने ज़रूर लिखे होंगे। तो ये हमारे वीडियो का एंड, शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।